एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन लॉलीपॉप का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे पार्टी स्टार्टर या स्नैक्स के टाइम पे बना सकते हैं घर पे आसानी से। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 12 से 15 चिकन का पीसेस लॉलीपॉप शेप में। अभी इसे बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, विनेगर एक चम्मच, सोया सॉस एक चम्मच, सिचुअन चटनी दो चम्मच, रेड चिली का सॉस एक चम्मच। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिला के हम इसको रेस्ट देंगे 20 से 30 मिनट तक। उसके बाद इसमें हम बाकी का मसाला ऐड करेंगे। इसे रखे हुए अभी आधा घंटा हो गया है। चलिए अब इसमें बाकी चीज़ें डाल देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, एक अंडा, मैदा में डाल रही हूँ 3 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच। अभी इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। चिकन अच्छी तरीके से मिल चुका है। चलिए अभी इसे हम फ्राई करेंगे। मैं पहले से ही तेल गरम करके रखी हूँ। चलिए अभी इसको हम चिकन के पीसेस को 10 से 20 मिनट के लिए इसे पकड़ के रखेंगे। उसके बाद हम इसे तेल में छोड़ेंगे। इस तरह से करने से चिकन नीचे से चिपकता नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। सारे ही पीसेस को इसी तरह से 10 से 20 मिनट के लिए पकड़ के रखना है, फिर आप इसे तेल में छोड़ना। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप एक बार ही इसे ट्राई करिए और मेरे साथ आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम चिकन को एकदम सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। चिकन अभी अच्छी तरीके से पक गया है और सुनहरा भी हो गया है। चलिए अभी इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है निकल जाए। आप इसे ट्राई करें और मेरे साथ आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।